ओके सो फाइनली कल की 2898 टेडी का ट्रेलर आ गया है और सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस में उन्होंने निकाला है, तेलुगु और हिंदी में। तो देखते हैं कैसा होता है। अब ये मेक और ब्रेक होने वाला है। अगर ट्रेलर अच्छा हुआ तो मूवी, अगर नहीं हुआ तो आदि पुरुष वेट। सो या चलिए शुरू करते हैं। थ्री टू एंड वन। इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। कहते हैं कि ऊपर पानी है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करने, केवल एक। ये 6,000 सालों पहले देखा था। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। एक जान के अंदर दूसरी जान। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं बचाऊंगा। हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बच्चे? कितना अच्छा सपना देख रहा था, हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? कुछ नहीं बचा। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे? मेरे साथ आ जाओ। यूनिट ज्यादा हो लेंगे क्या? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। भैरवा, कैसा बाउंटी? लेट्स गो। हाय हाय। वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं ही हूं जो उसे ला सकता हूं। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं आ रहा मैं। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। That was something, bro. काफी बढ़िया था। आप देख सकते हो कि भाई जो कमियां उन्होंने ट्रेलर में या जो कॉमिक कॉन में ट्रेलर दिखाया था या टीजर जो भी ग्लिम्स था उसमें जो कमियां थी इसमें वो ओवरकम करके आए हैं। सो हाँ, VFX काफी स्ट्रांग लग रहा है, मतलब CGI जो भी है। सो हाँ, अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट ट्रेलर बहुत ज्यादा लंबा था वे 3 मिनट 4 सेकंड का भी नहीं लगा। और जो सब लोग समझ रहे थे भैरवा यानी प्रभास ही कल्कि होगा, तो नहीं, कल्कि अलग होने वाला है। सो हाँ, दैट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन। बाकी और भी बहुत कुछ है, जैसे एक शॉट था जिसमें बैटल दिखाई गई थी, वो शायद अपनी महाभारत की बैटल होगी जिसमें अश्वत्थामा वो ऐसे खड़े, तो हाँ वो आई थिंक जब वो श्राप देंगे श्री कृष्णा तब का शॉट होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यंग है उसमें। और हमें टीजर में उनका शॉट दिखाया ही है सिर्फ यहाँ का। तो हाँ, काफी कुछ डिस्कस करने के लिए है क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है और VFX हैवी, CGI हैवी है मूवी भाई। और अगर हम पिक करने जाए तो हाँ, ऑफ लग रहा है कुछ, तो वो हम रिव्यू में बात करेंगे। कुछ भी बोलो, ट्रेलर बहुत लंबा लग रहा था, बट अच्छा है बट लंबा लग रहा था। बाकी देखते हैं, डिटेल में बात करेंगे रिव्यू में। तो हाँ, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर रिव्यू देखना है तो चैनल पे आए। मिलते हैं, देखते रहिए।